हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नो फरहान यूट्यूब चैनल। कहा मेरे भाइयों, फाइनली रेनो 10 सीरीज इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुकी है। इनके जो दो सीरीज दो स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग इन्होंने बताई है, रेनो 10 एंड 10 प्रो प्लस। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। हाँ, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो का एंड तक देखना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं मेरे भाइयों, स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे भाइयों, 4000 रुपये ऑफ आपको इस फोन के पे देखने के लिए मिलेंगे। बैंक्स ऑफर वगैरह वो भी मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में बता दूंगा, तो एंड तक वीडियो को देख लेना। सबसे पहले हम इन दोनों ही स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। हाँ, तो चलते हैं मेरे भाइयों। सबसे पहले हम देखते हैं इस फोन के डिस्प्ले। डिस्प्ले मेरे भाइयों 6.74 इंचेस का रेनो 10 प्रो प्लस के अंदर आपको कर्व एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलती है। और अगर मैं 10 प्रो की बात करूं तो यहां पे आपको 6.7 इंचेस की कर्व एमोलेड डिस्प्ले प्लस 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है। ऑलमोस्ट मेरे भाइयों डिस्प्ले आपको सिमिलर देखने के लिए मिलती है। यहां पे थोड़ी छोटी रेनो 10 प्रो की डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलेगी। बैटरी की बात करूं, यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है मेरे भाइयों। रेनो 10 प्रो प्लस के अंदर 4700 mAh बैटरी प्लस 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। और रेनो 10 प्रो की बात करूं, यहां पे आपको 6000 mAh बैटरी अपने सॉरी मेरे भाइयों 4600 mAh बैटरी, ये मैं कुछ भी बक दे रहा था अभी, और 80 वॉट का फास्ट चार्जिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पे मेरे भाइयों 10 प्रो प्लस की बैटरी आपको 100 mAh ज्यादा देखने के लिए मिलती है, और एडाप्टर भी आपको बड़ा देखने के लिए मिलता है। कैमरा सेटअप्स में मेजर डिफरेंस मैं कहूंगा मेरे भाइयों, काफी अच्छा यहाँ पे चेंजेस देखने के लिए मिला है। 50 मेगापिक्सल का मेन है रेनो 10 प्रो प्लस के अंदर। 64 मेगापिक्सल का पैरास्कोप लेंस है, इसके बारे में मैं काफी ज्यादा बार बोल चुका हूँ मेरी वीडियोस के अंदर। और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। अब जो रेनो 10 प्रो है इसके अंदर मेरे भाइयों 50 मेगापिक्सल मेन, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस जूम आपको देखने के लिए मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पे कैमराज में डिफरेंस है, और 32 मेगापिक्सल का सेम सेल्फी कैमरा रेनो 10 प्रो के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये फोन्स का जो कैमराज जैसा भी ये मार्केट में आएगा, फोटोज वगैरह इसके पता चलेंगे, तब मेरे भाई पता चलेगा कि पैरास्कोप लेंस इसका कितना यूजफुल है, बट अभी के लिए तो ठीक है मेरे भाइयों। प्रोसेसर की बात करूं दोनों ही स्मार्टफोन की, हाँ रेनो 10 प्रो प्लस के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8 प्लस जैन 1 देखने के लिए मिलता है, और जो रेनो 10 प्रो है इसके अंदर आपको मेरे भाइयों डायमेंसिटी 7050 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करूं दोनों ही फोन्स के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलता है। अब मेरे भाइयों फाइनली हम इसकी प्राइसिंग देख लेते हैं। ऑल ओवर ज्यादा कुछ इतना बड़ा डिफरेंसेस नहीं है मेरे भाइयों, बैटरी में है थोड़ा सा डिफरेंस, कैमराज में, बाकी और प्रोसेसर में दूसरा आपको कुछ भी यहाँ पे मेजर बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलता नहीं है। बट मेरे भाई इनकी प्राइसिंग में आपको काफी बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। जो रेनो 10 प्रो प्लस है 12 GB की रैम, 256 GB स्टोरेज जो इसका बेस वेरियंट स्टार्ट होता है 54,999 रुपए से। और अगर मैं रेनो 10 प्रो की बात करूं वो यहाँ पे अगर इसका भी 12 GB की रैम 256 GB स्टोरेज देखोगे 40,000 रुपए का ये आपको देखने के लिए मिलेगा। अब जो है मेरे भाई हम इनके पहले बैंक ऑफर्स की बात कर ले। 13 जुलाई को ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा इंडिया में ऑफलाइन मार्केट्स वगैरह में। तो यहाँ पे आपको HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास में है तो आपको यहाँ पे 4000 रुपए ऑफ देखने के लिए मिल जाएंगे। बड़ौदा बैंक के ऊपर भी मेरे भाई ICICI बैंक के ऊपर भी आपको 4000 रुपए ऑफ देखने के लिए मिलेंगे स्टार्टिंग में जब ये फोन सेल होंगे तब। तो मेरे हिसाब से अगर मैं भाइयों ये फोन्स में से कौन सी फोन बेस्ट है मैं अगर बताऊं मेरे भाइयों, अगर मैं लेने जाऊं तो मैं ऑलरेडी मेरे भाइयों मेरे माइंड में सेट कर लिया, अगर मैं लेने जाता तो ये स्मार्टफोन को मैं लेता रेनो 10 प्रो। हाँ, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है मेरे भाइयों, बट मेरे भाई अगर ये दोनों ही फोन अगर नहीं लेना चाहिए, ओवर प्राइस अगर मैं इसे कहूँ तो हाँ मेरे भाइयों ये फोन्स थोड़े मुझे बराबर नहीं लगे रेनो 10 सीरीज। बट जो भी मेरे भाई आपके सामने है, अगर आप एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाने का मुझे बोलोगे कि ये फोन्स आपको लेने चाहिए या फिर नहीं,
तो प्लीज कमेंट में बताना, आपके लिए वीडियो बना दूंगा। काफी ज्यादा बड़ा ये हो चुका है मेरे को ये वीडियो। आई होप आपको भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और हाँ मेरे भाइयों, आप में से अगर कोई इस स्मार्टफोन को लेने की सोच रहा है तो प्लीज कमेंट में अपनी राय देना। लुक भी मुझे सीरीज का ठीक लगा। बट यही सब कुछ था मेरे भाइयों इस वीडियो में। मिलता हूं आपसे कुछ नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय मेरे भाइयों।